खत्म हो गए। फैंग, कहाँ हो तुम? वो फैंग कहीं नजर नहीं आ रहा है। डर गया होगा डरपोक। डरपोक और मैं? तुम अकेले आ गया? तुम अकेले नहीं खेल सकते, डिस्क्वालिफाई हो जाओगे। और डूडू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ फुटबॉल खेलने आया हूँ, इसमें कुछ गलत है क्या? तुमने स्टिन के डिब्बे को अपनी टीम में ले लिया? तुमने अडूडू को अपनी टीम में क्यों लिया? ये लंबी कहानी है। कहानी शुरू होती है फैंग से, जो फुटबॉल सीखना चाहता है पर उसे आ नहीं रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब क्या होगा? मेरे कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम्हारे दोस्त नहीं है? हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। हम इंसानों के दोस्त कैसे बन सकते हैं बॉस? हम एलियंस हैं। खामोश! मैंने सुना तुम्हें फुटबॉल खेलना नहीं आता। ए, मुझे आता है, ये देखो। कैसी रही? ये तो बास्केटबॉल था, फुटबॉल नहीं था। अफसोस की बात है, और उस दिन के बाद हमने एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। तुम तो अब गए पोगो बॉय। ए फैंग, तुमने इस टिन के डब्बे को क्यों बुलाया? मेरा नाम है फैंग। ये गेम मैं ही जीतूंगा। छोड़ो भी, तुम्हारा पास बस 3 लोग हैं, तुम्हें 2 और चाहिए। ऐसा क्या? रोबोलबॉट्स, सामने आ जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये कौन है? मैं हूँ रेफरी। रेफरी? हाँ, इंसाफ का रेफरी। पर आप रेफरी कैसे बन सकते हैं? सच तो ये है कि रेफरी बनना मेरे बचपन का सपना था। तो बच्चों बताओ, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बनूंगी लॉयर। मैं बनूंगा डॉक्टर। और मैं बनूंगा एक फुटबॉल रेफरी। और मैं निकालूंगा मेरा येलो कार्ड इंसाफ का। और मैं पेनल्टी किक करूंगा बुराई के गोल में। ये अब हमारा लिए जीतना आसान होगा। सही कहा पापा जोरा, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम अच्छे हैं और वो बुरे। नहीं नहीं, फुटबॉल को क्या पता अच्छा कौन है और बुरा कौन। फुटबॉल को बस इतना पता है कि एक विनर है और एक लूजर। ये गलत है पापा जोरा, प्लीज हमें विनर बना दीजिए। प्लीज गोपाल, वो एक रेफरी है, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं सच का साथ दूंगा। ये तो गड़बड़ हो गई, रेफरी आ गया बीच में। ओ नहीं, फिर हम बिना प्लान के क्या करेंगे बॉस? बॉस, सभी के सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लो। तो गेम शुरू करने से पहले मेरे 3 रूल्स याद कर लो। पहला, कोई चीटिंग नहीं। दूसरा, पावर्स इस्तेमाल नहीं करनी है। और तीसरा, अगर तुम्हें कोई नहीं पसंद है तो उसके दिल के साथ नहीं खेलना। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो उसे उम्मीद भी मत देना, यानी कि उसे डिनर के लिए पैसे देने या बिल्ली का ख्याल रखने या अपने असाइनमेंट्स उससे मत करवाना। असाइनमेंट्स कहाँ से आ गए? ये तो गलत रूल बुक है। धमाला स्टिक। ओके ओके, ठीक है। तो क्या तुम सब तैयार हो? तैयार। शुरू करो। मिस्टर पापा, एक नॉर्मल सी टी बजा देते। बीप बीप, रेड कार्ड, रेफरी को सिखाने के लिए। चलो उठो, बाहर जाओ। पास दो यिंग। रुको उसे, रोबोलबॉट। Come on, Austin!
अगर किसी को किक करना नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैच भी नहीं कर सकता। लेकिन किसने कहा और किसको कहा कि किक करना नहीं आता? खामोश, मैं अपने बास्केटबॉल के तरीकों से तुम्हें रोकूंगा। बॉय ये लीजिए बॉस। एना, इवान, रुको ने। हम संभाल लेंगे। क्या तुम्हें ये फुटबॉल लगता है? अब जीतने का कोई चांस नहीं। hey, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बस इतना ही। क्या पेनल्टी? क्या हुआ? तुमने चीटिंग की ना? हाँ, बिल्कुल नहीं, मैंने उसे छुआ भी नहीं। नाटक बंद करो डेन के डिब्बे। मेरे प्यारे प्रूफ, लगता है मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। तुम कैसे कर सकते हो बॉबो बॉय, कैसे कर सकते हो? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए बॉस। मेरा तो दिल भर गया। अपना वादा मत भूलना, स्टोर रूम साफ करना। प्लीज ऐसा मत कहिए बॉस। हे अडूडू, बॉल और गोल पोस्ट खाली। कहाँ? या गोल कहाँ? ये तो बहुत बड़ा झूठ था। येलो कार्ड, इंसाफ के लिए। मुझे फंसाया ना। धमाला स्टेक। रुबल बॉट हमला। यिंग बीप बीप। मैं और नहीं खेल पाऊंगी। बीप, सब्स्टिट्यूट प्लेयर फील्ड में आओ। अब हम क्या करेगा, हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ जरूर है। रुको, अब मैं यहाँ कैसे फंस गया? शायद पौधे की जिद से। बीप, जल्दी कीजिए, आगे आकर बॉल किक कीजिए। कम ऑन दादूलाल। मैं बहुत बूढ़ा हूँ बेटा। तो क्या हुआ, आप धीरे भी किक कर सकते हैं। ओके, आ जाओ बॉबो बॉय, कम ऑन, कम से कम अपने दादूलाल के साथ तो दौड़ो। धमाला स्टेक दादू, यहाँ। जाओ, अब रुको, कौन है? बाइसिकल किक। ओह नो। पुराने लोगों की बाइसिकल किक। हाँ,
मेरी पीठ गई। ये गोल। हाँ, नहीं नहीं बबो बॉय। लगता है मेरी कमर टूट गई। नीनो नीनो नीनो, लगता है तुम्हारे पास सिर्फ 4 प्लेयर्स बचे हैं। ठीक है, हमारा स्कोर 2 है और 10 मिनट और बचे हैं। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैच कंटिन्यू करो। बीप बीप। अब हम क्या करेंगे? मुझे पता है बॉस। हे है ना, देखो तो बॉल से हवा निकल गई। हाँ, सच में? बीप बीप, तुम क्या कर रही हो? फुटबॉल को हाथ लगाना मना है। तुमने झूठ बोला प्रॉब। आओ मेरे मुंह पर बॉल से हिट करो। आओ आओ मारो। सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी किक। पावर इस्तेमाल करने से मना किया था। ठीक है रेफरी। बीप बीप, रेड कार्ड, फील्ड से बाहर। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। हे, तुमने चीटिंग की। हे, क्या मतलब है चीटिंग की? उसने तो जोर से फुटबॉल मारी थी। झूठे। बहुत अच्छे प्रोब, बहुत अच्छे। अब उनके पास बस 3 प्लेयर्स हैं। और सबसे जरूरी चीज, रेफरी भी अपने होश में नहीं है। अब हम जैसे चाहे खेल सकते हैं। बस करो, गोल करो। पूरी पापा। ये गोल, 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 गोल। तो तुम्हें नाचना भी आता है? अब ड्रॉ के बाद पेनल्टी किक्स होंगी। हम उस भारी भरकम रोबोट की किक को कैसे रोकेगा? अब बस 30 सेकंड बचे। अभी भी टाइम है, हार मान लो। कभी भी नहीं। रेडी वन। रेडी वन। रेडी गोपाल। गोपाल ध्यान दो। Yeah!
बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म। ओ नहीं, थंडरस्टॉर्म किक। शैडो टाइगर। ओ नहीं, हम रुक गया। अब होगी पेनल्टीज। पेनल्टीज? अब हम क्या करें? आखिरकार मैंने तुम्हें हरा दिया बबो बॉय। गोल 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 गोल। नहीं। ये बहुत बढ़िया इवान। बीप बीप बीप। अब होता है फुल टाइम। मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या लगता है सब खत्म हो गया बबो बॉय? फैंग तैयार हो जाओ। इस बार तुम जीत गए बबो बॉय। हे फैंग, तुम आखिर क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। चीटिंग करने के बाद भी तुम हार गए डिब्बे कहीं के। क्या कहा तुमने? बीप, शांत हो जाओ। फिर से लड़ने से पहले मुझे ये बताओ कि कौन से शैतान बच्चे ने स्कूल के गोल पोस्ट की ये हालत कर दी? पापा जोला ने वाइस प्रिंसिपल से शिकायत क्यों की? और तुम दोनों के साथ मुझे भी पनिशमेंट क्यों मिली? ऐसा मत कहिए बॉस, वाइस प्रिंसिपल बहुत ही डरावना है।